हाय मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और 2023 के कैंडिडेट हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक के मुद्दे पे आते हैं तो बताना चाहते हैं कि काफ़ी लोगों की ये जिज्ञासा आ रही थी कि भैया स्कॉलरशिप कितना आता है, बीएड सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप की कितना आता है, आपके कॉलेज में कितना आता है, क्या एक्यूरेसी है स्कॉलरशिप सरकारी कॉलेज में आने का स्कॉलरशिप या प्राइवेट कॉलेज के में आने का स्कॉलरशिप। यही सब काफ़ी क्वेश्चन आपके मन में था और काफ़ी जिज्ञासाएं आपकी थी। काफ़ी कमेंट आ गया था, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी कमेंट आ गया था और वैसे भी यूट्यूब के माध्यम से भी काफ़ी कमेंट आ गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको जितना जो मेरे कॉलेज में हुआ है, जो मेरे कॉलेज में जैसे आया स्कॉलरशिप उसको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का जो है 4,420 रुपये वार्षिक फीस है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि 4,420 वार्षिक हम सबका फीस है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का। तो हम सबका जनरल और ST और SC और OBC वालों का स्कॉलरशिप कितना कितना आया था। जो लड़कियां जो हॉस्टल ली थी उनका स्कॉलरशिप इतने रुपए में, जो फीस मैंने बताया सबका यही रुपया फीस लगा हुआ था, तो इनका 9,500-8,000 ऐसा करके स्कॉलरशिप आया था मेरे कॉलेज में। और कैटेगरी जैसे कि मैं बताऊं कि जनरल में जो है 8,500 और 9,000 के लमसम आया था अधिकतर लड़कियों का। और इसके बाद लड़कों का भी, लड़कों को मैं अंत में बताता हूँ, जो हॉस्टल लिए थे उनका मैं बता रहा हूँ। जो लड़कियाँ हॉस्टल नहीं ली थी और जो जनरल थी उनका 7,500 आया था। और जो लड़कियाँ SC से थी और जिनका जो हॉस्टल नहीं ली थी उनका जो है 7,000-6,000 ऐसे करके आया था। उनका जो है 7,000-7,500 नहीं आया था, उनका 6,000-5,000-4,000 ऐसे कुछ करके आया था। और मेन चीज़ है यार, आपका स्कॉलरशिप उस बेस पर, BEd उस हिसाब से आपका स्कॉलरशिप उस बेस पर भेजता है कि आपका पिछले जो आप ग्रेजुएशन करके आए हैं उसमें आपका परसेंटेज कितना है। मेन रोल अदा आपका परसेंटेज करता है। अगर आपका परसेंटेज जो है 60+ है, 60 या 70+ है, तो ये जान लीजिए आपका स्कॉलरशिप, चाहे आप सरकारी कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, आपका स्कॉलरशिप 100-100% आना तय है। फिर हम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी आपका जो है जो ग्रेजुएशन में है 60+ परसेंटेज है, तो आपका स्कॉलरशिप फर्स्ट डिवीजन से अगर आप पास हुए हैं तो आपका स्कॉलरशिप 100-100% आना है। चाहे कम आए चाहे ज़्यादा है, ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और वो भी कि वो हाई स्कूल से लेकर जितने भी परसेंटेज उसको भी गेन करते हैं या उसको भी देखते हैं वो सब लोग, तो इस आधार पे स्कॉलरशिप आपका आता है। मैं अपना स्कॉलरशिप बताऊँ कि मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और मैं हॉस्टल लेकर नहीं रहता, तो मेरा जो है 7,500 रुपया स्कॉलरशिप आया था। और कुछ कुछ जो लड़के हैं जो OBC कैटेगरी के हैं उनका भी 8,500-7,000 आया था। जो मॉनेटरी करके हैं उनका भी 9,500 आया था। कुछ लोग का 11,000-11,000 आया था, 4,420 रुपया लगने पर हम सबका। तो ऐसे है कि परसेंटेज के हिसाब से प्लस जो है हॉस्टल को देखकर प्लस माइनॉरिटी को देखकर इन सब के आधार पर जो आपका स्कॉलरशिप आता है UP BEd में। अब प्राइवेट कॉलेजों की भी मैं बात बताऊँ तो प्राइवेट कॉलेजों में स्कॉलरशिप कितना आता है सरकारी कॉलेजों, और आपको रियलिटी ये बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में अधिकतर हर लड़कों का, जो चाहे वो, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि इस सरकार में जो है OBC का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने लोग भी फॉर्म को करेक्ट भरे थे, अधिकतर अगर कुछ भी परसेंटेज उनका अच्छा था, तो अधिकतर सब लोगों का स्कॉलरशिप मेरे कॉलेज में आया। OBC हो चाहे जनरल हो चाहे ST हो चाहे ST हो, सबका स्कॉलरशिप आया था। अब मैं प्राइवेट कॉलेज की बताता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप कैसे आती है। आपकी मेन कैटेगरी तो यही फॉलो होता है कि आपका परसेंटेज जो है ग्रेजुएशन का परसेंटेज ही देखा जाता है, लेकिन मेन चीज़ है कि आपका उसमें स्कॉलरशिप ज़्यादा आता है और कॉलेज वाले अगर वेरीफाई नहीं करते, जैसे कि आप फॉर्म दे भी देते हैं तो कॉलेज वाले कभी कभी वेरीफाई नहीं करते या कभी लास्ट में वेरीफाई करते हैं जब डेट वेट बढ़ाया जाता है, तो सर्वर जो है जो विभाग कल्याण है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक जानकारियाँ मतलब वहाँ से तो शो करने लगेगा, लेकिन देर में होने की वजह से ऐसा कुछ वहाँ नहीं हो पाता, शो नहीं हो पाता जहाँ तक ऐसे कुछ पता चला है, तो उसकी वजह से आपका स्कॉलरशिप नहीं आ पाता। और स्कॉलरशिप जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में 52,000 समथिंग करके रुपया आपका लगता है स्कॉलरशिप मतलब फीस के रूप में, तो उनका OBC का जो मेरे कैंडिडेट जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से, उसका जो है 35,000 स्कॉलरशिप आया था। मैं OBC की बात बता रहा हूँ। SC की जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से था मेरा एक कैंडिडेट था, मैं आपको रियलिटी जो जिन जिन लड़कों का स्कॉलरशिप आया उसके बारे में मतलब उसको बता रहा हूँ, किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ। इस साल 2022 के सत्र में जितने लड़कों का स्कॉलरशिप मेरे संबंध में आया उनका मैं बता रहा हूँ। वो मेन चीज़ आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो 52,000 जिन SC था और उसके पिताजी सरकारी नौकरी भी हैं, ये भी कभी कभी ये भी हो जाता है कि लड़के जो है सरकारी, जिनके पिताजी सरकारी नौकरी हैं लेकिन वो जो है लेखपाल से जुगाड़ करके जो आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और उनका स्कॉलरशिप उनका भी आ जाता है। मेरे कैंडिडेट में एक SC कैटेगरी का है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसका भी स्कॉलरशिप 52,000 पूरा पूरा आ गया था। तो SC लोगों का जो है स्कॉलरशिप अधिकतर लोगों का जो है सबका आ जाता है, चाहे जिस
जिसकी भी सरकार हो। ओबीसी और मींस जनरल का बजता है, लेकिन बजना इस सरकार में जनरल का भी 100-200% आता है, ओबीसी का भी आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेट लपेट हो जाता है। अब मैं अवध यूनिवर्सिटी की बात बताता हूँ। मेरे संबंध में एक मतलब कैंडिडेट थे जो मेरे ही मित्र हैं, उनका जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए थे फैजाबाद में, उनका जो है स्कॉलरशिप 52,000 नहीं आया, मतलब वो जनरल से थे और उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए पूरा अच्छा था, पूरा वेरीफाई होकर भी नहीं आया। तो जो अंत में वेरीफाई हुआ या आप लास्ट में वेरीफाई करवाएंगे या जो आपका परसेंटेज कम होगा तो ये जान लीजिए आपका स्कॉलरशिप नहीं आना। तो उनका आया था, लेकिन जो रज्जू भैया बताए थे या जो महाराजा सुहेलदेव के एससी कैटेगरी के बताए थे, ओबीसी का भी अगर आपको 52,000 पैसा लग रहा है तो ये जान लीजिए कि आपका 35,000 लमसम जो है स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो स्कॉलरशिप अधिकतर लड़कों की आती है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। जो 52,000 जो प्राइवेट जिनकी रैंक ज़्यादा है जो प्राइवेट से बीएड करना चाहते हैं, और अगर आपकी थोड़ी बहुत भी किस्मत है, मेन चीज़ आप अपना परसेंटेज देख ले, अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज है तो आपकी स्कॉलरशिप 100-200% आना आएगा। और मेन चीज़ अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, मैं फिर आपको बताऊं, अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा है तो आप जरूर सरकारी कॉलेज ले लीजिए, क्योंकि जो भ्रांतियां फैली हैं कि ओबीसी का स्कॉलरशिप नहीं आता, तो आपके मन में ये ना रहे कि 52,000 दे के फिर फंस गए। तो इसलिए आप सरकारी कॉलेज से, अगर ओबीसी हैं और सरकारी कॉलेज आपको अलाट हो रहा है, तो आप इस अगर आपका कम पैसा लगेगा, मतलब अगर बाई चांस आप 52,000 देते हैं और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आता तो आपका जो है वो वसूल नहीं हो पाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप संतुष्ट हो जाएंगे भले से, क्योंकि 4,000-5,000-6,000 ऐसे करके फीस है, तो आप जो है निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में 52,000 लगने के बाद भी अगर पैसा नहीं आता तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छा है तो आपका स्कॉलरशिप जरूर आएगी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हर जगह यही स्कीम चलती है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका हॉस्टल का, क्योंकि जब फॉर्म भरने लगते हैं तो वहाँ हॉस्टल का एक ऑप्शन रहता है कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो उसका जो है चार्ज अलग से, मतलब उसका चार्ज अलग से लगता है और उसको फिर जोड़ के जो है जो सरकार है या जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आपको देती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप सरकारी कॉलेज में रहें तो सरकारी कॉलेज से करिए, लेकिन ओबीसी खासकर अगर आप ओबीसी हैं तो आप ज़रूर सरकारी से करिए, क्योंकि ओबीसी का कहीं कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है, लेकिन अधिकतर आता ही है मेरे कॉलेज में या रज्जू भैया से जो इन लड़कों का आया है या अवध यूनिवर्सिटी से जितना, जौनपुर यूनिवर्सिटी से जितने लड़कों का आया है, मैं सबको रियल बता रहा हूँ, सबका आया, ओबीसी एससी जनरल सबका आया है। तो जय हिंद, जय इंटरव्यू, जय प्रयागराज संगम नगरी। आपको वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट सेक्शन में, पहली बार आप चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। जय हिंद।